हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शो। गाइस, आज मैं जा रही हूँ अपनी फ्रेंड की मेहंदी पर और मैं अपना मेकअप कर रही हूँ। पहले मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊँगी कि मैंने कैसे मेकअप किया। सबसे पहले मैंने अपने चेहरे को अच्छी तरह से साफ़ किया। साफ चेहरा होना ज़रूरी है ताकि मेकअप जो है हमारा स्मूथ रहे और लॉन्ग लास्टिंग बना रहे। चेहरा अच्छी तरह से वॉश करने के बाद मैंने लैक्मे का लोशन लगाया। लोशन स्किन को मॉइस्चराइज करता है और बेस क्रिएट करता है। अपनी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग लोशंस चूज़ करें। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो लाइट वेट नन ग्रीजी लोशंस यूज़ करें। ड्राई स्किन के लिए हाइड्रेटिंग और नरिशिंग लोशंस बेस्ट रहेगा। थोड़ा सा लोशंस अपने पाम पे भी लगाएं ताकि आपका जो फेस है ना वो डॉट्स की तरह लगाए। फॉरहेड, नोज, चीक्स और चिन पे फिंगर्स या पाम की हेल्प से आप लोशन को जेंटली अपवर्ड एंड आउटवर्ड स्ट्रोक्स में ब्लेंड करें। ये प्रोसेस सर्कुलर मोशंस में करें ताकि लोशन स्किन में अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए। आज मैं फाउंडेशंस नहीं लगाऊंगी गाइस, तो इसलिए मैंने कंसीलर ही डायरेक्ट अपने फेस पे अप्लाई किया। फाउंडेशंस के बाद कंसीलर लगाया जाता है, बट मैंने कंसीलर ही लगाया। कंसीलर को अंडर आइज और जहाँ पिगमेंशंस थी ना वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने अप्लाई किया है और उसे ब्लेंड किया है। कंसीलर को यहाँ पे मैं अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ ताकि लाइंस विजिबल ना हो और नेचुरल फिनिश आए। यहाँ पे मैं ब्यूटी ब्लेंडर यूज कर रही हूँ ताकि डैम्प जो है ना वो ब्लेंडिंग अच्छे से स्मूथ हो जाए। कंसीलर को मैंने अच्छे से ब्लेंड किया ताकि लाइंस विजिबल ना हो और नेचुरल फिनिश आए। यहाँ पे मैं सेटिंग पाउडर यूज़ करूँगी। सेटिंग पाउडर मेकअप रूटीन का एक बहुत ही ज़रूरी हिस्सा है क्योंकि ये मेकअप को सेट करता है और लॉन्ग लास्टिंग बनाता है। ये ऑयल कंट्रोल में भी आपकी हेल्प करता है और फेस को मैटी फिनिश देता है। मैं आपको सेटिंग पाउडर लगाने का तरीका बता रही हूँ। इस तरह से आप लाइट और फाइन पार्टिकल्स वाला होता है जो नेचुरल फिनिश देता है, तो ड्राई स्किन के लिए ये बेस्ट होता है। ये कॉम्पैक्ट फॉर्म में होता है, ईजी टू कैरी और टचअप्स के लिए आप कॉन्फिडेंट है। ऑयली स्किन के लिए भी बेस्ट होता है। फ्लफी लार्ज पाउडर ब्रश से लाइट अप्लीकेशंस होती है। सो गाइज, तो अब हम आई शेडो की बात करेंगे। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले आई शेडो पे कंसीलर लगाया था। यहाँ पे मैंने कंसीलर लगाया है और शेड किया है जो बहुत ही अच्छा है। कंसीलर आई शेडो के लिए बहुत ही स्मूथ बेस क्रिएट होता है जिससे कलर्स को पॉप बनाता है। तो गाइज, यहाँ पे फिर उसके बाद मैंने ब्रश की हेल्प से अच्छे से उसको मिलाया। फिर मैंने वाइट आई शेडो लगाया ताकि कलर्स और वाइब्रेंट लगता है। तो यहाँ पे मैंने वाइट कलर को अच्छी तरह से पूरी आईलिड पे बेस के लिए अप्लाई किया है। फिर मैंने ग्रीन कलर को आईलिड के मिडिल से स्टार्ट करते हुए लगाया और आउटर कॉर्नर तक ब्लेंड किया है। ये लीड कलर बनेगा, उससे फ्लैट ब्रश फॉर पैकिंग द कलर और ब्लेंडिंग ब्रश फॉर सॉफ्टिंग द एजेस। सो गाइज, फिर उसके बाद मैंने ना लाइट ब्राउन शेड को क्रीज और आउटर कॉर्नर पर लगाया ताकि डेप्थ और डायमेंशंस आए। ब्लेंड करते वक्त सॉफ्ट सर्कुलर मोशंस यूज़ करें ताकि हर्स लाइंस ना रहे। तो इसके लिए मैंने ब्राउन कलर को ग्रेजुअली बिल्ड किया है ताकि गेट द डिजायर्ड डेप्थ मिले। आई शेडो लुक का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ब्लेंडिंग होता है, जो कि इंश्योर होता है कि कलर सेमलेसली ब्लेंड हो रहा है। उससे क्लीन ब्लेंडिंग ब्रश तो सॉफ्टेंट एंड हर्स लाइन्स बिटवीन द वाइट ग्रीन। सो गाइज, अगर आपके पास आई शेडो प्राइमर है तो कंसीलर की जगह आप यूज़ कर सकते हैं। इससे क्या होता है, आई शेडो को और भी लॉन्ग लास्टिंग और क्रिएज प्रूफ बनाता है। कलर्स को ग्रेजुअली लेयर करें, पहले थोड़ा प्रोडक्ट ले और फिर बिल्डअप करें। डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लेंडिंग ब्रशेस यूज़ करें, जैसे फ्लफी फॉर ओवर और ब्लेंडिंग फॉर स्मॉल पीसेस फॉर क्रिएज। आई शेडो लुक का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ब्लेंडिंग होता है। इंश्योर करें कि कलर्स आपका जो है ना सेमलेसली ब्लेंड हो रहा है कि नहीं, ताकि आपका जो क्लीन ब्लेंडिंग ब्रश भी रहे। इससे क्या होगा, सॉफ्ट एंड हर्स लाइंस बिटवीन द वाइट ग्रीन एंड ब्राउन शेड्स। सो गाइज, तो अब मैं लगाने वाली हूँ आई लाइनर, जो कि सबसे बेस्ट पार्ट होता है आईज़ के लिए। तो यहाँ पे मैंने आई लाइनर लगा ली हूँ। उसके बाद फिर मैं थोड़ा सा सेट कर रही हूँ पाउडर से। चेहरा क्या है, आई शेडो लगाने के बाद थोड़ा सा सेट करना होता है। तो इस तरह से अच्छे से मैं सेट करके फिर मैं काजल लगाऊँगी। तो आज थोड़ा मैंने डीप काजल लगाया, थोड़ा सा लुक अलग सा लगता है। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के आप आईज शेडो आईज को बनाओगे तो इस तरह से आपके लुक अलग सा लगेगा। तो गाइज, यहाँ पे मैंने हल्का सा ब्राउन कलर भी लिया ताकि आँख के नीचे थोड़ा सा लुक जो है ना देखने में वो मैचिंग करे। तो उस हिसाब से मैंने अपना लुक क्रिएट किया है। तो इस तरह से मेरा काजल लग चुका है। लोअर वाटर लाइन के नीचे लोअर लैश लाइन पे भी आप काजल लगा सकते हैं। इससे क्या होगा, स्मजिंग ब्रश या कोई भी टिप की हेल्प से आप इसे स्लाइटली स्मज करें। ये सॉफ्टन और स्मोकी इफेक्ट देता है। तो इसलिए गाइज मैंने थोड़ा सा इसको स्मोकी बनाने की कोशिश की है। तो इस तरह से आप भी ट्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब मैं आईब्रोज को थोड़ा फिल कर लेती हूँ, डार्क बना लेती हूँ। तो इस तरह से मैंने थोड़ा सा आईब्रोज को भी फिल किया। उसके बाद फिर मैंने
अब मैं हाइलाइटर यूज करूँगी। तो गाइज यहाँ पे मैंने हाइलाइटर मेकअप रूटीन करूँगी जो कि मैंने ब्रश की हेल्प से किया है। हाइलाइटर मेकअप रूटीन का एक इसेंटियल पार्ट है जो आपकी स्किन को ना ग्लोई और डेवी फिनिश देता है। ये फेस के हाई पॉइंट्स को एसेंटुएट करता है और नेचुरल रेडियंस को इन्हेंस करता है। तो यहाँ पे मैंने ब्रश को हाइलाइटर में लाइटली डीप किया है जो कि एक्सेस जो है ना वो ऑफ हो जाए। फिर मैंने चिक बोन्स के पास भी स्वीपिंग मोशंस में हाइलाइटर अप्लाई किया है। चिक्स के पास स्टार्ट करके मैंने टेम्पल्स को भी ब्लेंड किया है। तो गाइज यहाँ पे अब मैं फिर मैंने ब्लश का यूज किया। ब्लश मेकअप रूटीन का एक बहुत ही ज़रूरी स्टेप होता है जो कि आपके चेहरे को ना फ्रेश और हेल्दी अपेरेंस देता है। ब्लश लगाने से आपका फेस लिफ्टेड और यूथफुल लगता है। ऑयली टू कॉम्बिनेशन स्किन के लिए बेस्ट होता है। इसे अप्लाई और ब्लेंड करना इजी होता है। सो गाइज तो लिपस्टिक यूज करूंगी। लिपस्टिक को अपने ऊपर लिप के सेंटर से स्टार्ट करूंगी। इसके बाद मैंने डिफाइन किया और फिर आउटर एज को मैंने फिल किया है। लिपस्टिक को ब्रश से अप्लाई करना प्रेसेस और कंट्रोल एप्लीकेशंस देता है। स्पेशली बोल्ड कलर्स के लिए ब्रश यूज मैं करूँगी। सो गाइज तो आज मैंने फ्रेंड्स की मेहंदी पे जा रही हूँ तो इस तरह का मैंने सिंपल सा मेकअप करके आप सबको दिखाया। फिर मैंने अपना इयररिंग्स भी पहना। तो ये लुक आप लोगों को कैसा लगा तो मेरे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पर मैंने फ्रेंड्स की मेहंदी पर जा रही हूँ तो मैंने सिंपल सा मेकअप इस तरह से किया। तो आप लोगों को कैसा लगा तो गाइज आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। तो ये था मेरा आज का मेहंदी का मेकअप लुक। तो मिलते हैं गाइज नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।